आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी जॉब में रहते हुए अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको सडनली फंड्स की रिक्वायरमेंट आती है तो हम हमेशा सोचते हैं कि पर्सनल लोन ले लें या फिर किसी प्रकार का ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लें। ऐसे ही लोन लेने की आदत को हमें अवॉइड करना है और हम ईपीएफ अकाउंट से कुछ अपना अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे। देखिए, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपका पीएफ कटता है तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठा सकते हैं। गूगल में आएंगे और मेंबर ईपीएफ लॉगिन टाइप करेंगे। जैसे ही आप इसे टाइप करते हैं, फर्स्ट जो लिंक होगा उस पर आपको क्लिक करना है। 2 या 3 मिनट का ये कंप्लीट वीडियो होगा, तो इसे ध्यान से समझिए। देखिए, इसके यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे। अगर आपको मालूम है कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है तो ठीक है। अगर आपको ये जानना है सबसे पहले कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले यहां पर व्यू व्यू में पासबुक पर आएंगे और क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके पास ईपीएफओ मेंबर पासबुक, इसका आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहां पे आपको यूएएन और पासवर्ड अपना एंटर करना है। ये आपका सेम पासवर्ड होगा जो आपका मेंबर्स अकाउंट का है। तो सेम पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे और अपना बैलेंस यहां पे चेक कर लेंगे। बैलेंस चेक करने के और भी तरीके हैं, मैं क्विकली आपको बता दूं कि जैसे अगर आप एसएमएस भेज सकते हैं इस नंबर पर, या फिर सिंपली एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं इस नंबर पर, या फिर आप उमंग प्लेटफॉर्म पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस कितना है। तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ लॉग इन करके भी देख सकते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने पोर्टल पर। सो गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटी देती है कि अगर आपके पास एक वैलिड पीएफ अकाउंट है, उसमें पैसे हैं, तो आप एक एडवांस के तौर पर वहां से अमाउंट निकाल सकते हैं। प्रोसेस समझते हैं कैसे। सबसे पहले आप ऑनलाइन सर्विसेज ये वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहां पर आपको देखिए क्लेम फॉर्म 31-19-10C-10D दिखाई देगा। फॉर्म 31 जो होता है वो होता है आपका एडवांस पैसा निकालने के लिए, यानी जो तरीका अभी हम सीखने वाले हैं। फॉर्म 31 पर आप क्लिक कर दीजिए। बेसिकली सभी फॉर्म इसी लिंक से ओपन होते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। यहां पर देखिए बैंक अकाउंट नंबर यहां पे आपको की इन करना है और वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे, तो ये सिस्टम आपको प्रोसीड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर लेके चलेगा। तो आपको यहां पर अपना बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करना है। सो जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहां पे अपडेट करते हैं, आपको एक और पॉपअप आएगा, आप इस पे यस कर दीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपकी डिटेल्स यहां पर दिखाई देंगी। मैंने इसे हाइड कर दिया है। सो आप अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, और यहां पे नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेंगे। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं यहां पे। तो देखिए यहां पे ऑप्शन दे रहा है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर पीएफ एडवांस फॉर्म 31। यही एक ऑप्शन अवेलेबल था, इसे मैंने यहां पे सिलेक्ट किया। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट सर्विस, नेक्स्ट ऑप्शन है पर्पज। सो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको अपडेट करना है। जिस भी सिलेक्ट सर्विस में आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आपने यहाँ पे भी काम करते हैं, जिसका भी आपको अमाउंट विड्रॉ करना है, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर पर्पज सिलेक्ट करना है। पर्पज के बारे में मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन रिसीट ऑफ वेजेस, नेचुरल क्लैमिटीज, इलनेस, पावर कट, मैरिज, और भी बहुत सारे जितने भी पर्पजेज हैं, इन सब के लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा पर्पज है जहां पे आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं बीमार हूं, इलनेस एक ऐसा ऑप्शन है कि मान लीजिए अगर मैं बीमार हूं तो मुझे इसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट इसे प्रोसेस करेगा अगर मैं इलनेस को चूज करता हूं। इससे पहले भी मैं इसे यूज कर चुका हूं, क्योंकि जब मैं मान लीजिए बीमार होता हूं और मुझे अमाउंट पैसे की जरूरत पड़ती है, तो मैं इस ऑप्शन के जरिए ही अमाउंट निकाल लेता हूं विदाउट सबमिटिंग एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो मैंने यहां पे इलनेस को चूज किया। नेक्स्ट ऑप्शन अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, तो मुझे कितने अमाउंट की जरूरत है वो मुझे यहां पे अपडेट कर देना है। उसके बाद यहां पे एम्प्लॉई एड्रेस आप चूज करेंगे, और यहां पर अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ चेक पासबुक, आपका चेक है, आप उस चेक पर साइन भी कर दीजिए और उसे कैंसिल भी कर दीजिए। उसके बाद आपकी क्लियर कॉपी यहां पर अपलोड कर दीजिए। मेरे साथ कई बार ये होता है कि अगर मैं कैम स्कैनर से स्कैन करता हूं, और अगर स्कैन थोड़ा सा उसका फ्लो ठीक नहीं है, उसमें थोड़ा सा वो दिखता है कि फोन से लिया हुआ स्कैन है, तो ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा आप उनको चांस ना दें, आप एक क्लियर स्कैन कॉपी यहां पे अपलोड कर दीजिए और उसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे। तो मैं फटाफट से अपनी डिटेल्स अपडेट कर देता हूं।
सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के बाद कैंसिल चेक आपने यहाँ पे लगा दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। इसके बाद आप यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और गेट आधार ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं तो यहाँ पे देखिए ओटीपी हैज बिन वेरीफाइड आ गया है और ये आपका सबमिट हो चुका है। क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इट इज फाइन। ऑनलाइन तरीके से आपकी एडवांस अमाउंट की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। जितना भी आपने अमाउंट डाला होगा, मैंने यहाँ पर अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया था, लेकिन रूल्स के हिसाब से डिपार्टमेंट मुझे पूरा अमाउंट नहीं देगा, कुछ कम अमाउंट ही देगा रूल्स के हिसाब से, क्योंकि मैं बीच बीच में अमाउंट निकालता रहता हूँ। सो विद इन 7 to 8 working days ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको उधार देते हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, ओडी की लिमिट बनाते हैं, या फिर आपको बहुत सारे एप्स मिलेंगे जो आपको क्विक लोन प्रोवाइड करते हैं। इन सब के चक्कर में आप ना पड़े तो बेहतर है, और आप अपना जो अमाउंट है पीएफ का उसका कुछ एडवांस अमाउंट निकाल के अगर आप अपना काम मैनेज कर सकते हैं तो एक कंप्लीटली सेफ तरीका है, रिकमेंडेड तरीका है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो जो गूगल पे हमने अभी एक लिंक ट्राई किया था, यूएएन नंबर आपको आपकी पे स्लिप पे मिल जाएगा। पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं। मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉरगेट पासवर्ड करके ही अपना पासवर्ड रिट्रीव किया, लॉगिन किया और ये प्रोसेस को कंप्लीट किया है। कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।